हाँ तो भाई राम राम सभी को, सुबह की राम राम। और अभी का टाइम हो रहा है कुछ 5:30 और मैं अभी अभी उठा हूँ। और मैंने जैसे कि आपको कल बताया कि हम कल कहीं आपको जाएंगे, एक एक बार बार नहाने के बाद सब बताऊँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। रेडी हो जाते हैं नहा के और फिर खाना खा के फिर निकलते हैं जल्द से, ताकि लेट ना हो। लेट ना होते हुए जल्दी से अपना नहाते हैं और फिर निकलते हैं। भाई मैं तो हो गया हूँ रेडी और विजय बस रेडी हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज विजय का एग्जाम है और हम जा रहे हैं अपनी यूट्यूब वाली टी शर्ट पहन के, हम जा रहे हैं फतेहाबाद। उसका एग्जाम है, तो उसका एग्जाम है, हमको करनी है 8:30 बजे एंट्री और अभी हो गए 6। तो यार लेट ना होते हुए बस अभी निकलते हैं, बस थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं फिर निकलते हैं। बस वो आ रहा है ऊपर से। तो हम लेट ना होते हुए 10 मिनट पहले निकल चुके हैं। तो हाँ भाई विजय, गुड मॉर्निंग गाइज। हाँ तो गुड मॉर्निंग भाई सभी को, राम राम सुबह की, जो अपना लेना चाहिए ले लो। और हम अभी निकल चुके हैं फतेहाबाद के लिए। हाँ एग्ज़ाम है ना फतेहाबाद, तो अभी पहुँचे गया है अपना। ये समाधि मंदिर है हमारे यहाँ का, जगन्नाथ पुरी बाबा समाधि मंदिर। एग्ज़ाम है ना इसका। भाई यहाँ हमने स्टॉप लिया है, यहाँ देखो पेट्रोल पंप है और पेट्रोल वगैरह डलवाया है। तो बस ये कि स्टॉप लेंगे अभी सीधा अपने फतेहाबाद मिलेंगे आप। और ये हम स्कूल में पहुँच गए हैं। कौन सा स्कूल है? बालवाटी का पब्लिक स्कूल फतेहाबाद। तो टाइम से पहुँच गए हैं। चलो तो अभी विजय जाएगा पेपर देने एंड देखते हैं फिर स्कूल है। और यहाँ अभी सभी बच्चों को भेज दिया गया है। ये विजय खड़ा अपना और ये सामने सारे बच्चे बैठे हैं इधर। ये देखो भाई साहब लाइन लगी हुई है, एंट्री हो रही है। अभी का टाइम हो गया 8:30 आया है अंदर और अभी मैं देखता हूँ कहाँ जाता हूँ। 8:30 बज गए, उसका पेपर होगा 12:30 बजे ख़त्म, तो उसकी एंट्री हो गई है फाइनली। हाँ तो भैया आप ये लाइब्रेरी मिली है, यहाँ पूछते हैं अलाउ करते हैं कि कुछ टाइम के लिए नहीं करते। घंटे के लिए बैठ सकता हूँ क्या? तो अभी ये देखो कुछ ऐसी लाइब्रेरी है, मतलब अच्छा है यार। वाईफाई का पासवर्ड पूछ लूँगा इनसे अपनी, मतलब की एडिटिंग कर लूँगा और पढ़ाई भी हो जाएगी। बाहर तो घूमने से अच्छा ही है। तो अभी यहाँ बैठते हैं यार, 11:30 बजे तक यहीं बैठेंगे। चलो तो ठीक है पढ़ते पढ़ते। तो अभी यार नीचे देखते हैं, एक रेस्टोरेंट है नीचे शायद, तो अभी खाने चलते हैं, कुछ कुछ खा के आते हैं। चलते हैं वहीं नीचे और देखते हैं क्या मिलेगा खाने का। ऑर्डर किया है तो आएगा खाना, फिर आपको दिखाते हैं क्या खा रहे हैं। तो भाई अभी का टाइम हो गया है 11:45, तो अभी 12 बजे विजय का एग्ज़ाम खत्म है, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा। ये 2 या 3 घंटे थे मैंने अच्छे से कंज्यूम किए, मेरे पढ़ाई भी कर ली और थोड़ी ब्लॉग भी एडिट कर लिया, मतलब सब टाइम से हो गया जो मैंने सोचा था। तो यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो भी है ये इन्होंने मेरे को अलाउ किया सिर्फ एक दिन के लिए। अब इनसे जाके देखते हैं कि कुछ पैसे लेते हैं तो मैं दे दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यार इतना अच्छा इन्वायरमेंट देखो, कोई भी नहीं है यहाँ पे, मैं अकेला ही बैठा था और मतलब बिल्कुल शांति, आप कहीं भी कंसंट्रेट कर सकते हो। तो मैंने मेरा काम कर लिया है, अभी नीचे चलते हैं फिर देखते हैं। निकल गया हूँ अपने वो विजय का जहाँ सेंटर था वहाँ के लिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा यार, इन्होंने ना मेरे से एक भी पैसा नहीं लिया, मतलब पैसे ही बड़ी चीज़ नहीं है यार, टाइम होता है बड़ी चीज़ आपके लिए। तो मैंने मेरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज किया है। तो और मैं भाइयों, इन जो भाई की लाइब्रेरी थी ना, इनका थैंक यू करना चाहूँगा कि मतलब यार किसी को ऐसे अलाउ करते नहीं है कई बार, कि मेरे को सिर्फ 3 घंटे के लिए बैठना था, उन्होंने मेरे को अलाउ किया। तो भाई इस ब्लॉग चैनल को आप देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बालवाटिका स्कूल के आगे पहुंच गया हूँ, अभी देखते हैं विजय को कितनी देर में आता है। तो ये है अभी का माहौल यहाँ का, अभी देखते हैं कितनी देर में आएगा विजय। ये है देखो बालवाटिका पब्लिक स्कूल, पुलिस वालों को फुल भड़क हो रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, देख रहे हैं कि मतलब ये क्या कौन लड़का है। उससे आने स्टार्ट हो गए हैं बाहर, अभी देखते हैं विजय कितनी देर में आएगा। हाथ रहे हैं अभी, देखते हैं विजय आता है फिर पूछते हैं कैसा हुआ एग्ज़ाम। वेट कराने के बाद ये आ चुका है हमारा बंदा, ये रहा, ये पूमा की वाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी है। ये रहा भाई, किसा होया किसा होया। घर पहुंच चुके हैं यार, मैं स्पीड में आए अभी तो आते हुए, तो अभी पहुंच चुके हैं। तो अभी यार मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, तो आपको कल ही पता लगेगा कल के ब्लॉग में कि हम मेरा एग्ज़ाम कहाँ पे है कल। तो ब्लॉग में बने रहें। टाइम हो गया 8:15, अश्विनी के साथ अब पार्क में आया हूँ। एंड आज तो भाई दिल ही टूट गया है, आपको पता है कि जैसे कि एग्ज़ाम देने गए थे और जैसे हम 2 बजे पहुँचे घर पे, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही पता लगा कि एग्ज़ाम था जो वो लीक हो चुका था, और फिर उसके बाद तो मतलब यार दिल ही टूट गया। बस पूछो मत कि यार इतनी मतलब रेस के अंदर भाग रहे थे
और एकदम से आपको पता लगता है कि मतलब लोग आप जब भागे ही नहीं थे उससे पहले भाई साहब फाइनल उसमें पहुंच चुके हैं। मतलब 8:30 बजे पेपर की एंट्री थी और 8 बजे तो लोग वहां फाइनल पे नहीं पहुंच चुके हैं, समझ रहा है कि मतलब होता है भाई। मतलब तेरी रेस स्टार्ट होनी है अभी, ठीक है अभी मैं बोलता हूँ 3-2-1 तू भागेगा और तेरे को रेस तू वहां तक पहुंचा नहीं और तेरे को ये पता लगे भाई साहब पहले तेरे से आधा घंटा पहले वो आ चुके हैं, आगे भी जा चुके हैं। तो ऐसा कुछ सीन हुआ है भाई यहाँ कि मतलब मैं हमको तो जो इन्फॉर्मेशन मिली आने के बाद कि यार जो है एग्ज़ाम था ना वो सुबह 8 बजे ही बच्चों के पास आ चुका था और जो इवनिंग का था वो जैसे एग्ज़ाम चल रहा था और यूट्यूब पे लाइव चल रहा था कि मतलब यार ऐसा भी हो सकता है हरियाणा में तो हो सकता है भाई। ये SSSC का ही कमाल है और कुछ नहीं है। मतलब कि यार इतना मतलब सिस्टम ख़राब होना बहुत ही गलत बात है। तो मतलब यार बच्चों को यही मैसेज है कि डिमोटिवेट नहीं होना, अपने इस रेस में ही भागना है। यार कैंसिल हो गया कोई बात नहीं, 6 महीने और सही, जो बच्चे इतने टाइम से लगे हुए हैं तो 6 महीने और सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना टाइम आएगा, ठीक है right, exactly. तो चलो तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। डिमोटिवेट नहीं होना, चिल करो 2 दिन, चिल करो उसके बाद दोबारा आ जाओ लाइन पे। चलो तो ठीक है, ओके बाय बाय।